नाही देखे वो निकलेंगे दोनों, पुकारा करेंगे और राखेंगे जैसे ए जी वैसे रहेंगे, और राखेंगे जैसे वैसे रहेंगे, अधिक या धनी में गुजारा करेंगे, महल लाड़ली का बुहारा करेंगे। ऐसा मन में भरोसा राख, कृपा करे राधे मिट्टी है भव बांधे, तो वृंदावन 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 रहरे, वृंदावन रज की अब वेद शरण गहरे, भटके दिन देश 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 क्यों ल जावे, कुंदन के कौन बैठ जुगल क्यों न गावे, भलो मनोदाव तेरो आयु क्यों गवावे, कनक में तन छूट जाय पाछे पछितावे, चतुर तो ही जानी हो जब चेती हो सबीरो, क्यों नहीं कर ले तू अपनो निवेरो, मन में भरोसा राख कृपा करे राधे, किशोरी जी की चरण शरण मिटी है भव बांधे, वृंदावन 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 रह रे, तो जो तू चाहे वृंदावन को गौर चरण गौर शरण में आइए, चैतन्य महाप्रभु आइए, चैतन्य महाप्रभु आइए, श्री चैतन्य महाप्रभु आइए, भज गौर हरि भजो नित्यानंद, गौर हरि भजो नित्यानंद, गौर हरि भजो नित्यानंद, गौर हरि भजो नित्यानंद, अगत न की गति दो भैया, अगतिन की गति दो भैया, अगतिन की गति दो भैया, अगतिन की गति दो भैया, दूरी करत सब अगभव भंग,
अगभव फंद पूरी करत सब अगभव फंद गौर हरि भजो नित्यानंद गौर हरि भजो नित्यानंद गौर हरि भजो नित्यानंद संकीर्तन पितृ प्रेम के दाता 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 संकीर्तन पितृ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुण धाम संकीर्तन के पितृ तो पुनि पुनि करहूं प्रणाम नित्यानंद गौरांग राय जू दसो दिशि भक्ति प्रचार मंगल नाम लिए ते हो वत जगत प्रेम विस्तार संकीर्तन पितृ प्रेम के दाता पितृ प्रेम के दाता संकीर्तन 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 पितृ प्रेम के दाता मुख सो झरत नाम मकरंद मुख सो झरत नाम मकरंद गौरदास चरणन को चेरो गौरदास चरणन को चेरो 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 गौर हरि तेरो 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 गौरदास चरणन को चेरो गौरदास चरणन को चेरो गौरदास चरणन को चेरो गौरदास चरणन को चेरो जी हृदय विराज दो चंद जी हृदय विराज दो चंद मेरे हृदय विराज दो चंद मेरे हृदय विराज दो चंद हाय हृदय विराज दो चंद हाय हृदय विराज दो चंद दो चंद राधा ब्रज चंद दो चंद राधा ब्रज चंद राधा गोविंद दो ब्रज चंद राधा गोविंद दो ब्रज चंद जी गौर हरि भजो नित्यानंद जी गौर हरि भजो नित्यानंद जो तू चाहे वृंदावन को है वृंदावन को
नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। कोई भी ऐसी वाणी नहीं है जिसमें
श्री किशोरी जी की मुंह मादरी का संयोग न हो, भले वो ऊपर से दिखे कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही रूप वर्णन हो रहा है, लेकिन यदि वो रसिकों की वाणी है, किसी नौसिखिया का पद है उसकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगर आचार्य की वाणी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रज के ठाकुर का सौंदर्य वर्णन हो, ब्रज के ठाकुर का कहीं रूप वर्णन हो और उसमें श्री प्रिया जी के भाव का पुट ना हो। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से इस वाणी में तो नहीं दिखता किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन, लेकिन यहीं पर आकर के बात जो है संयोग को प्राप्त हो रही है कि तावे चित्र किए केसर के राजत है सखी सुहग। ये सुहग ये में कौन से चित्र राज रहे हैं, तो हमारे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि कृष्ण चित्र स्थिता राधा और राधा चित्र स्थितो हरि। उनके चित्र में वे और उनके चित्र में कृष्ण ग्रह स्थिता राधा और राधा ग्रह स्थितो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा और राधा प्राणमयो हरि। तो ग्रह स्थिता चित्त स्थिता प्राणमयी प्रेममयी द्रव्यमयी, इनका अर्थ क्या है? यही बात कहने से पूरी हो जाती है। जैसे मणिधारी सर्प होता है तो एक क्षण के लिए भी मणि से अलग नहीं होता। अगर मणिधारी सर्प की मणि कोई चुरा ले तो वो जो सर्प होता है वो मृत हो जाता है, जबकि इच्छाधारी नाग होते हैं, वो मनुष्य शरीर भी रख लेते हैं, ऐसे नाग होते हैं, सत्य बात है। पर उनके उनका जो जीवन होता है वो मणि में होता है, उनके पास मणि होती है, कंठ में रहती है वो मणि। वो कभी कभी ऐसे विशेष दिनों में मणि को बाहर निकाल के उसको देखते हैं, क्योंकि मणि के प्रेम में तो सदैव आसक्त रहते हैं, लेकिन मणि का दर्शन किसी किसी विशेष पर्व पे वो क्या क्या बहुत उसका एक विज्ञान है, एक विधा है, उसमें तो हमें नहीं जाना। पर वो कुछ विशेष काल होते हैं, कुछ अमावस्या के इत्यादि के, जिसमें वे कहीं घनघोर जंगल में अपनी मणि कंठ से निष्कासित करके क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो ऐसे ही श्री राधा कौन है, यदि श्री कृष्ण कमाल वृक्ष हैं तो किशोरी जी कंचन बेली हैं। तो इसीलिए वो एक ब्रह्म को एक परमात्मा दो हो जाता है। गोपाल संस्थान में आता है ना कि एक ज्योति बुद्धिधा राधा माधव रूपकम, राधा माधव के रूप में ही भी परमात्मा दो रूप में हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने हृदय की मणि देखने की लालसा प्रकट हो गई, मणि देखने, क्योंकि उनका जीवन तो मणि में है। इसीलिए कृष्ण ग्रह स्थिता राधा, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, कृष्ण प्राणमयी राधा, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा। इसलिए तो और सब चरित्रों में नहीं प्रकट हुए, वामन बनकर आए तो नहीं प्रकट हुए, उस समय तो विराजमान थे श्री राधा तक, तो उस समय विराजमान थे। वामन बन के आए तो नहीं प्रकट हुए, नरसिंह बन के आए तो नहीं प्रकट हुए, अन्य अन्य अवतार में नहीं प्रकट हुए, लेकिन ब्रज लीला जहाँ पे प्रेम निश्चित करना है, जहाँ पे प्रेम दान करना है वंशी के द्वारा, आलिंगन के द्वारा, तो वहां तो देखिए प्रकाश मणि में होता है, सर्प में नहीं होता। सर्प को भी जब प्रकाश की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, मणि निष्कासित होती है। मणि में प्रकाश है, सर्प में नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण में जो प्रेम माधुरी है, वो जो रूप माधुरी है, वो जो लावण्य माधुरी है, वो जो कृपा माधुरी है, वो क्या है, वो तो श्री राधा ही। इसलिए ब्रज का ठाकुर पूरा नहीं है,
ब्रज का ठाकुर श्री राधा के बिना सत्य है कि वो आधा है, राधा के बिना वो आधा ही है, आधा है। तो वो सुहागिनी का कुछ बहुत गहरा तात्पर्य है, मानो अपनी मणि बाहर निकाल के दिखा दी है, इसलिए राधा तत्व को समझने में सब चक्कर में आ गए, सब चक्कर में आ गए। बड़े बड़े परमहंस न समझ सके, बड़े बड़े पारदर्शी न समझ सके, विद्वान धोखा खा गए, शास्त्रज्ञ धोखा खा गए, मुनि खा गए, ऋषि खा गए, आजकल के कलयुगी जीव खा रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राधा तत्व चूंकि मणि है, राधा तत्व बहुत गहन है, तो विरासता कहाँ है? बोले तामे चित्र केसर के और राजत है सखी सुभग चंदन में केसर मिश्रित है। केसर का बहुत बड़ा गुण होता है, केसर को दूध में डाल के पीजिए तो गर्म तासीर देती है, और उसी केसर को यदि चंदन में मिश्रित करिए तो ठंडी तासीर हो जाती है, ठंडी तासीर हो जाती है। तो केसर के चित्र अंकित है चंदन मिश्रित है, तो वो उष्णोदक नहीं है, वो कैसे है? शीतोदक है, वो शीत उत्पन्न करने वाले हैं, वो कहीं शीतलता अनुभव कराने वाले हैं चंदन में। केसर में चंदन में केसर डालो, चंदन का रंग भी नेक परिवर्तित हो जाता है और अधिक आकर्षक हो जाता है, और अधिक मधुर हो जाता है, और कहें और अधिक मादक हो जाता है, और अधिक आकर्षक हो जाता है। तो ऐसे ही जो अकेले कृष्ण हैं कहीं कुरुक्षेत्र के द्वारिका के, कहीं प्रभासक क्षेत्र के, वो कृष्ण इतने आकर्षक रसिकों को नहीं है जितने आकर्षक वो केसर मिश्रित चंदन है। वो राधा के श्याम जो है वही हमारे आराध्य हैं। कुछ रहस्य है जाग आज रही नंदनंदन चंदन को तामे चित्र किए केसर राधा है सखी सुबह में राग रहे हैं, तो ये छुपा हुआ जो धन वो प्रकट हो गया। तो हम कह रहे कि आचार्यों की वाणी में एक भी पद ऐसा दर्शन में अभी तक नहीं आ पाया कि जिसमें श्री राधा स्वरूप का पुत्र हो। और तो और ठाकुर जी को जो श्रृंगार धारण होता है उसमें जो एक और पाग और दूसरी तरफ कभी चंद्रिका या कभी शीर्ष फूल या कभी बैंदी या कभी पुष्प वो जो धारण हो रहा है वो कौन है? वो राधा ही तो है। हम सोच रहे हैं कि बिहारी जी तो अकेले हैं, वहां तो राधा रानी नहीं है। हम सोच रहे हैं राधा वल्लभ तो अकेले हैं, वह राधा रानी नहीं है। राधा रमण तो अकेले हैं, राधा नहीं है। पर नहीं, हम यदि श्रृंगार के रहस्य को समझ सकते हैं, यदि रसिक वाणी का हमें आस्वादन है, तो हम जानेंगे श्री बिहारी तो एक क्षण को भी राधा रानी से भिन्न नहीं है। गादी रूप में तो सेवा है ही राधा नाम की, बिहारी जी के संग में, राधा वल्लभ जी के संग में, राधा रमण जी के संग में, लेकिन गादी सेवा तो है ही, लेकिन श्री अंग में भी तो राधा है, तो राधा है। जो शीश फूल है वो राधा ही तो है। बिहारी जी का वर्ष में कई बार हो जाता है, हमने अनेकों बार दर्शन किया है। प्रिया प्रियतम का श्रृंगार आप सबने किया होगा। उस दिन क्या होता है बिहारी जी को, आधे में तो बागा धारण होता है, आधे में साड़ी धारण होती है। बिल्कुल हमने खूब किया है, बिल्कुल आधा आधा श्रृंगार होता है, आधे में बागा धारण होता है, आधे में साड़ी धारण होती है। एक तरफ जो है पाग धारण होती है, एक तरफ चंद्रिका धारण होती है, एक तरफ फूल धारण होता है, एक तरफ फूल धारण होता है, एक तरफ चंद्रिका धारण होती है। ऐसा
प्रिया प्रियतम का कहना। और भले हम श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाएं, अरे राधा वल्लभ जी तो ठाकुर जी ही नहीं हो सकते, उनका तो संबोधन ही श्री जी है, वे ठाकुर जी होंगे कैसे। राधा रमण जी का भी संबोधन श्री जी है, राधा रमण जी का संबोधन श्री जी है। कभी गोसाइयों को आप बात करते देखिए, राधा रमण जी नहीं बोलते, ठाकुर जी भी नहीं बोलते, श्री जी बोलेंगे। श्री जी को भोग आएगा, श्री जी को ऐसे होगा, श्री जी को ऐसे होगा, संबोधन ही श्री जी हैं। ब्रज का ठाकुर तो एक क्षण भी राधा के बिना है ही नहीं, राधा बिन श्याम आधा। तो यहाँ श्री चतुर्भुज दास जी की वाणी बहुत कुछ कह रही है। आज सखी नंदनंदनी नवचंदन को तन लेप दिए, तामे चित्र किए ये सड़के और कहाँ कि राजस हैं सखी सुहग लिए। नहीं तो कृष्ण हृदय सुहग कैसे, श्री कृष्ण सुहग श्री राधा आलिंगन प्राप्त करते ही है। श्री राधा संयुक्त हृदय ही सुहग है, श्री राधा बिन हृदय सुहग कैसे, शीतल कैसे। आगे कह रहे ये हाथन सुख को कटी बांध पिछो कमल है, ये कौन है, यही तो राधा। तन सुख को कटी बांध पिछोरा तो ठाड़े हैं कर कमल। श्री कृष्ण पीतांबर क्यों धारण करें और श्री राधा नीलांबर क्यों धारण करें, क्यों धारण करें, क्योंकि ये हाँ श्याम अंग नील वर्ण और पीत वर्ण राधे, याते श्याम धारे पीरो पट और नीरो पट राधे। क्योंकि श्याम वर्ण श्याम अंग कैसा वर्ण, नील वर्ण और पीत वर्ण राधे, पीला वर्ण राधा रानी का है और नील वर्ण श्याम सुंदर का है। तो इसलिए एक दूसरे के श्री अंग की अनुभूति सतत रूप में प्राप्त होती रहे, कहीं इस क्षण को भी ऐसा न लगे कि वियोग हो गया है। इसलिए दोनों ने एक मार्ग निकाल लिया है कि वो क्या है कि पीत पट धारे श्याम और नील पट राधे। पीतांबर सतत रूप में श्री कृष्ण को श्री राधा अनुभूति करा रहे हैं और नील वस्त्र जो है, जो नीली चुनरी है, वो सतत रूप में श्री राधा को श्री कृष्ण अनुभूति करा रहे हैं। तो फिर राधा रुचि वनमाल पीत उपरेना और नैन मैन सर से दिखिए। और आगे क्या है, रुचि वनमाल पीत उपरेना नैन मैन और कर्ण फूल, फिर राधा कर्ण फूल प्रतिबिंब कपोल में और मृगमद तिलक ललाट दिए। तो ये कर्णफूल क्या है, हम लोग पहले चर्चा करी आए हैं कि ठाकुर जी के जो समस्त आभूषण हैं वो भक्त हैं, भक्त हैं। ठाकुर जी कौन कौन भक्त हैं, शांत रस के भक्त, दास रस के भक्त, वात्सल्य रस के भक्त और सख्य रस के भक्त और मधुर रस के भक्त। तो एक बार बताइए आप लोग
लोग सुन चुके हैं सब पहले सत्संग में, शांत रस के भक्त कौन है। ठाकुर जी के श्रीअंग का, श्रीअंग के आभूषणों में कौन से आभूषण शांत रस के भक्त हैं? सबको याद होगा, एक वर्ष हो गया लगभग शायद ये सत्संग हुए, ठाकुर जी के आभूषणों में शांत रस के भक्त कौन है, कौन है, कौन है? ये सबको बहुत देर तक हुआ था इस बात पे सत्संग को, याद है नहीं है? सत्संग तो हुआ था इस बात पे, ये तो हम ही भरी रहे। मुरली नाम नहीं है, मुरली क्या है, बस ठाकुर जी की बंशी का नाम मुरली है। सब कोई बंसी बजाए तो संसार की हर बंसी मुरली नहीं है, संसार में बहुत लोग बंसी बजाते हैं, सबकी बंसी मुरली नहीं है। मुरली किसकी बंशी मुरली है? श्री कृष्ण की बंशी का नाम मुरली है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, श्री कृष्ण की मणि का नाम कौस्तुभ है। तो ऐसे ही जो चरणों में पायल है वो कौन है? वो तो दास्य रस के भक्त हैं। पर अब आए वात्सल्य रस के भक्त, तो वात्सल्य रस के भक्त कौन से आभूषण हैं? कौन से आभूषण हैं वात्सल्य रस के भक्त? मुकुट, जो शीश के मुकुट हैं, जो पाग हैं, वो कौन है वात्सल्य रस के भक्त? जिनका जो ठाकुर जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा जो मुकुट है शीश का, वो कौन है? मानो यशोदा देवकी, देवभूति, शची, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन सब मैयाओं का जो प्रेम है वही श्री ठाकुर जी का मुकुट है, वही पाग है। जितने भी वात्सल्य वर्ग वाले भक्त हैं, नंद जी, दशरथ जी इत्यादि, कर्दम ऋषि जी, कश्यप जी, इन सब जो पितृ वर्ग है, जगन्नाथ मिश्र जी, हड़ाई पंडित जी इत्यादि, इन सब का वात्सल्य क्या है? मुकुट है, पाग है। और सख्य रस के भक्त कौन से आभूषण है, कौन से आभूषण है सख्य रस के भक्त? सख्य रस के भक्त ठाकुर जी का कौन सा आभूषण है कहिए? ऐसा मत करिए भाई, हम तो गला फाड़ फाड़ बोलते रहते हैं, कुछ ऐसा जुलम मत करो भाई। सख्य रस के भक्त कौन है? करधनी, करधनी कमर की तगड़ी, यहाँ के जो बाजूबंद हैं वो कौन है? वो वात्सल्य रस के भक्त हैं। जो कहीं ठाकुर जी से कंधा और कमर से कमर भिड़ा के चलते हैं वो कौन है? वो सब सख्य रस के भक्त हैं, करधनी। और मधुर रस के भक्त कौन है? मधुर रस के भक्त कौन है ठाकुर जी के? कौन सा श्रृंगार है? कर्णफूल और गुलाब, ये सब कौन है? ये तो मधुर रस के भक्त हैं। और उस माधुर रस की पराकाष्ठा कौन है? श्री राधा। पर वही मानो इस समय राधा रमण का कुंडल बनकर भी कान में कहीं झूल रही हैं, इसलिए रसिक जन कह रहे हैं करणफूल प्रति बिंब कपोलन निगमत तिलक ललाट दिए ओ बहुत भारी चुंबक है जो सारा कुछ अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वो मणि है, वो राधा चुंबक है, इसलिए
चतुर भुज प्रभु गिरधारण लाल सिर तेरी पाग रही भ्रकुटी छी। इतनी टेढ़ी हो गई है कि भ्रकुटी छीली है, इतनी टेढ़ी है तो किसी ने कहा गिर क्यों नहीं जाती, तो बहुत बुरी बात है पगड़ी खुल जाए, बहुत ऐसी बात है पगड़ी तो नहीं खुलनी चाहिए कभी भी। बोले टिकी कैसी है, बोले श्री राधा की दृष्टि जो निरंतर श्री कृष्ण दर्शन कर रही है उस दृष्टि पे ही पाग गिरने नहीं पाती, भ्रकुटी तक आकर के रुकी रहती है। ऐसे आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन ले, आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन ले, ऐसी शोभा है चंदन पहर, चंदन पहर कुंज दो बैठे, एक चंदन पहर कुंज हरी बैठे, संग वृषभान दुलारी हो, चंदन पहरी कुंज हरी बैठे, संग वृषभान दुलारी हो, यमुना तट फूलन की कुंजन तहां खेलत ला बिहारी हो, त्रिविध पवन बेहद सुखदायक, त्रिविध पवन बहुत सुखदायक, शीतल मंद सुगंधा हो। वायु के तीन गुण कौन कौन से हैं, शीतलता, शीतल होनी चाहिए, और धीमी बहुत तेज नहीं, हवा बहुत तेज चले तो तूफान कहते हैं उसको, और हवा न चले तो भी कष्टकार, बहुत तेज चले तो तूफान, तो कैसी शीतल और मंद, धीमी धीमी बहे, धीमी धीमी तो बहुत सुंदर लगता है, शीतल मंद, अब केवल शीतल मंद ही नहीं, कुंज की वायु कैसी है सुगंध मिश्रित है, शीतल भी हो और मंद भी हो, लेकिन कहीं दुर्गंध युक्त जगह से होके आ रही हो बैठा नहीं जाए, लेकिन धाम की बयार कैसी है, शीतल मंद सुगंधा हो, त्रिविध पवन बेहद सुखदायक, शीतल मंद सुगंधा हो, फूले कमल एजी फूले कमल कुसुम बहु बिकसे, और तहां राजत नंद नंदा हो, एजी फूले कुसुम, एजी फूले कुसुम, एजी फूले कुसुम, तहां फूले कुसुम कमल बहु विकसित, फूले कमल फूले कुसुम कमल बहु विकसित, तहां राजत नंद नंदा हो, तहां राजत नंद नंदा हो, यमुना फूले कुसुम कमल बहु विकसित, तहां राजत नंद नंदा हो, चंदन पहर कुंज हरि बैठे, चंदन पहर कुंज हरि बैठे, संग वृषभान दुलारी हो, यमुना तट फूलन की कुंजन, यमुना तट फूलन की कुंजन,
अरे झीली पर तुहारी हो, अरे मंदी मंदी तेरी मंदी मंदी चल तुहारी मोहन निरख निरख
माने आनंदरी चंदन के बीजना धुरा में चहु और सखी दास मोहन निरख निरख मानत आनंदरी मूरति श्याम की मन मानी मेरे मन मूरति श्याम की मन मानी इन चंदन चित्रित अंग मनोहर प्रिया रूप रससानी चंदन चित्रित अंग मनोहर प्रिया रूप रससानी यमुना तट पंशी बटे यमुना तट कुंजन पंशी बटे यमुना तट कुंजन एजी यमुना कहीं पंशी बट यमुना तट पंशी बट यमुना तट कुंजन केली बेली लपतानी बंशी बट यमुना तट कुंजन केली बेली लपतानी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रंगी रंग बिकानी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी त्रिभंगी राधा रमण त्रिभंगी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रंगी रंग बिकानी देखो है चंदन चोलना अरे कोई देखो अरे कोई देखो कोई देखो है चंदन चोलना गौरांगी के उर्वर राजत नीलमणि को ढोलना कहीं गौरांगी के उर्वर राजत नीलमणि को ढोलना सकल सिंगार पिए न्यो छावर नयन निरख मुख बोलना सकल सिंगार पिए न्यो छावर नयन निरख मुख बोलना रसिक सखी पीतांबर दो राजत सहचरी बोलना अरे कोई देखो है चंदन चोलना कोई देखो है चंदन चोलना जी नवल किशोर नवल नागरिया अरे कोई नवल किशोर कोई नवल किशोर नवल किशोर नवल नागरिया ओ कैसे कि अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर और श्याम भुजा अपने उर्धरिया नवल किशोर नवल नागरिया एजी नवल किशोर नवल नागरिया अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरिया करत विनोद करत विनोद कहां तरनी तनया तट करत विनोद श्री जमुना तट करत विनोद श्री यमुना तट श्यामा श्याम उमग रस भरिया यों लपताई रहे उर अंतर यों लपताई रहे उर अंतर कैसे मरकत मणि ज्यो कंचन जरिया यो लपटाई रहे उर अंतर मानो मरकत मणि ओ कंचन जरिया और उपमा को घन दामिनी नाही एरी उपमा को घन दामिनी नाही
ओ पर आलिंगन भरिया सूरदास मदन मोहन बलि जोड़ी नंद नगन ऋषभान दुलरिया सूरदास मदन मोहन बलि जोड़ी नंद नगन ऋषभान दुलरिया नवल किशोर नवल नागरिया नवल नागरिया तो वृंदावन एक सुंदर जोड़ी वृंदावन एक सुंदर जोड़ी खेलत जहां तहां बंसी बट यमुना तट बंसी बट खेलत जहां तहां बंसी बट नंद नंदन वृषभान किशोरी भुवन चतुर्दश की सुंदरता सुंदर श्याम राधिका गोरी जय श्री भट्ट कहां लो वरनो रसना एक नहीं लटकोरी वृंदावन एक सुंदर जोरी और को समझे सो समझे अजी और को समझे सो समझे हमको इतनी समझ भली के ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी ऋषभान लली एक ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी आदि सब सखा श्याम के श्यामा संग गजपुरवास शैलवन विहरन कुंदन कुंदन रंग रली गजपुरवास शैलवन विहरन कुंदन कुंदन रंग रली इनके लाल चाव सुख सेवा इनके लाल चाव सुख सेवा फलन फली कहीं भगवान कृत राम राय प्रभु सबते इनकी कृपावली अजी सबते इनकी कृपावली चंदन सो
कपूर मिला तेरी सती हो रे इतर सुगंधन तेरी ता में सती हो रे हैं अतर सुगंध चंदन है कि कपड़े हैं? नहीं नहीं ये चंदन है,
अखा तीज को चंदन है, चंदन महोत्सव को तो चंदन ही चंदन है। अद्भुत, महीनों महीनों पहले से चंदन घिस घिस के रखे जाने लगते हैं और अखा तीज को तो चंदन की ही पोशाक, चंदन के ही मुकुट, चंदन के ही श्रृंगार, चंदन की ही माला, सब कुछ चंदन ही चंदन। यहाँ कोमल अंग चंदन चर्चा भूषण विविध बनामे, बसन आभूषण विविध बनामे, तेरी सखी पटुका चुनरी झलकन तेरो सखी बने चंदन के पटुका चुनरी झलकन, चंदन के पटुका चुनरी झलकन, देख सखी श्यामा सोहरा, देख सखी श्यामा सोहरा, चंदन देख सखी श्यामा सोहरा, चंदन सो सो महकी रहो वृंदावन, देख सखी श्याम को चंदन को लहंगा संवारो, को चंदन को लहंगा संवारो, लाल जी को चंदन को बागो सखी धारो, लाल जी को चंदन को बागो सखी धारो, प्रिया जी को चंदन को लहंगा संवारो, प्रिया जी को चंदन अद्भुत रूप छटा तन देखो सखी, अद्भुत रूप छटा तन देखो सखी, अद्भुत रूप छटा तन देखो सखी, अद्भुत रूप छटा तन देख सखी श्याम देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन, चंदन सो महकी रहो वृंदावन, देख सखी श्याम अंग सो चंदन की पाग भली, चंदन की पाग भली, चंदन की चंद्रिका जी चंदन की पाग भली, चंदन की चंद्रिका जी चंदन की पाग भली, नीचे मुख चंदन पे चंदन की पत्रावली, चंदन पे चंदन की पत्रावली, नीचे मुख चंदन पे चंदन की पत्रावली, 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 तेरी सखी, तेरी सखी
चंदन की मुख झलकन तेरी सखी चंदन की मुख झलकन देख सखी श्याम रंग सोहरा चंदन चंदन को बेंदा भाल चंदन की गल माल 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 चंदन के बाजू बंद कटी किंकनी विशाल बाजू बंद कटी किंकनी विशाल बाजू बंद कटी किंकनी विशाल तेरी बने चंदन के कर कंगन तेरी बने चंदन के कर कंगन बारी जाऊं चंदन के बने कंगन बारी जाऊं चंदन के बने कंगन देखो देखो चंदन के बने कंगन देखो देखो चंदन के बने कंगन देख सखी श्याम रंग सोहरा चंदन 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 सो सो महकी रहो वृंदावन सो महकी रहो चंदन के नूपुर चंदन के नूपुर चंदन के बिछिया चंदन के नूपुर चंदन के बिछिया चंदन के नूपुर चले जब तेरी घुंघरू रुनक झुनक कर बजे चले जब ये श्री वृंदावन भू पर और कब हूँ बिना चले हूँ आप ही ये कब हूँ बिना चले हूँ आप हूँ प्रगटे ललित मधुर सुर चम 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 घुंघरू बोले 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 चम 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 जब डोले राधा रमन डोले राधा रमन वृंदावन डोले राधा रमन घुंघरू बोले चम 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 घुंघरू बोले चम 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 राधा
पावन चरण में नूपुर रुनक झुनक कर पगे चले जब श्री वृंदावन भूपर और कब हूँ बिना चले हूँ आप हूँ प्रगटे ललित मधुर सुर और गुण मंजरी चरण सुखदाई देवी गुण मंजरी चरण सुखदाई मेरे धरो चित्त के ऊपर तेजी गुण मंजरी चरण सुखदाई Yeah.
श्याम रंग सोहरा चंदन
चंदन सो महकी रहो वृंदावन चंदन सो चंदन सो एक सखी श्याम मंग सोरा चंदन एक सखी श्याम मंग सोरा चंदन एक सखी श्याम मंग सोरा चंदन शीतल भोग सखी बहुविध जीमा में शीतल भोग सखी बहुविध जीमा में शीतल भोग सखी बहुविध जीमा में फलन के रस अरु सत्तु पीबा में शीतल भोग सखी बहुविध जिमा में फलन के रस आम रस अरु मधु सत्तु पीबा में भीगे अन्न मेवा किसमिस छुहारा काजू और बादाम जिमा में सखी जन शीतल भोग धरा में फलन के रस अरु सत्तु जिमा में सखी जन शीतल भोग जिमा में यदि शीतल भोग सखी बहुविध जिमा मधुर सत्तु पीवा एरी मुख अरे एरी सखी पीरी देत मुख अधरन तेरे कोई बीरी देत मुख अधरन एरी कोई सखी श्याम मंग सोहरा चंदन चंदन सो चंदन सो मेह की रहो वृंदावन चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो मेह की रहो वृंदावन चंदन के बीज ना चमर ढूरा में 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 चंदन के गीत राग चंदन के गामे चंदन के गीत राग चंदन के गामे कोई चंदन के गीत राग चंदन के गामे चंदन के तेरी कोई बेतारी लगी नाचन एरी कोई बेतारी लगी
वचन अरे ए जी कोई दे दे तारी लगी नाचन ए जी कोई दे तारी लगी नाचन देख सक गुरुन संग ए हां गौरदास गुरुन संग सेवा को सुख लऊं गुरुन संग सेवा को सुख लऊं झांकी हिए धार लऊं सर्वस वार दऊं गौरदास गुरुन संग सेवा को सुख लऊं गुरुन संग सेवा को सुख लऊं तेरी एहा बारी जाऊं लखी झांकन तेरी एहा बारी जाऊं लखी ए बारी 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 जाऊं लखी झांकन तेरी एहा बारी जाऊं लखी बारी 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 जाऊं लखी झांकन तेरी बारी बारी महकिरयो वृंदावन चंदन सो चंदन सो महकिरयो वृंदावन चंदन सो चंदन सो देख सखी श्याम रंग तोरा चंदन सखी श्याम रंग तोरा चंदन देख सखी श्याम रंग तोरा चंदन प्यारे राधा रमन रंगीले किशोर मोर पंथ धारे किशोर मोर पंथ धारे चंचल नयन नुकीले मैं बारी जाऊं चंचल नयन नुकीले मैं बारी जाऊं चंचल नयन नुकीले मैं बारी जाऊं चंचल नयन नुकीले ए जी ठाकुर राधा रमन रंगीले राधा रमन रंगीले मेरे प्यारे राधा रमन रंगीले प्यारे
प्रगति ले गोपाल प्रगति मेरे प्यारे राधा रमन रंगी प्रिया की प्रीत के मानी